मर जाएंगे लेकिन रखेंगे नहीं, मर जाएंगे रखेंगे नहीं, मर जाएंगे रखेंगे। आप गलत, आप भी देखे। हाँ देखे हैं। क्या देखे हैं कि खिड़की में है ये दुयो गलबात कर रहे हैं। जालुक हम कोठा दू तल्ला पर चढ़े कि हम जाते हैं उठाने के लिए, तालुक लौटा के भगा दी। कुछ की कमी नहीं, बस प्यार में इनके भाग गए थे हम। ये सेक्सुअल डिजायर था, समझी? मारेंगे एक चमट कैमरे के सामने ही झूठ बोलोगे तो। नहीं रखबो तो नहीं बेटा, एकदम नहीं रखना है। हाँ नहीं एकदम नहीं बाबू, इतना गंदा के हम नहीं रखेंगे। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूँ सुमित कुमार। देखिए आजकल इस तरह के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं कि कहीं किसी को फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, तो कहीं इंस्टाग्राम रील से प्यार हो जा रहा है, तो कहीं कुछ। और इन सब के आड़ में औरतें या लड़के जो भी कुछ कर रहे हैं अपने सारी चीज़ों को ताक पर रख के, चाहे परिवार की इज्जत हो या अपना भविष्य हो, सब ताक पर रख के निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह के परिस्थितियाँ समाज और आसपास की जो परिस्थिति होती है वो उनको गुजारा करना पड़ता है, उसी का परिणाम एक और केस है हमारे सामने। ये मोहतरमा है जिनको 12 महीने का एक प्यार हो गया फेसबुक से। अब ये वही लड़का है, लड़का 11th ट्वेल्थ में। आप समझ जाइए कि एक 11th ट्वेल्थ के लड़की की मैच्योरिटी क्या होती है। तो उनको प्यार हो गया, इनको भी हो गया प्यार, और ये हैं उनके पति जो रहते थे, कहाँ रहते थे? कोलकाता में रहते थे। और ये है बच्ची, 4.5 साल एज है इनकी। अब बताइए कि इस मोहतरमा को प्यार हो गया और ये सब कुछ ताक पर रख के निकल गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और निकल गई। उसके बाद में अब क्या हुआ कि जब परेशानी हुई इस बात का, पति को अंदेशा हुआ, थाना कोर्ट में मैटर गया, थाना में ये भाई साहब ने साइन करके बाकायदा लेके गए हैं। मतलब महिला विकास मंच के भी ऑफिस हैं और इनके पास पूरा पुख्ता सबूत है इस चीज़ का कि उनके सामने साइन करके ये ले गया कि हम ही रखेंगे, और ये कही कि हम ही रखेंगे। बताइए, बाकायदा साइन है और अब इन्होंने सबने मना कर दिया। अब ये महिला रोई जा रही है, पूरा परिवार महिला विकास मंच के ऑफिस में है, देख लीजिए, और कई लोग इनके दोनों तरफ के पक्ष के बाहर गए हुए हैं। आपको कैसे प्यार हो गया ये बताइए। बस बात करते करते हो गया। तो मैसेज आपकी थी, ये किया था? हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बस इसी लाइक को होता है ना, उसके बगल में फूल वगैरह था तो चल गया था। आप इसको पहले से जानती थी? जानते थे नहीं, स्टोरी लगाए हुए थे नहीं, तो हम देखे तो घर में दिखाया। आपको ये पता था कि आपके आसपास के ही है ये, 1-2 किलोमीटर? नहीं, फोटो दिखाए ना घर में कि कौन है, तो बताया कि यही आसपास का ही है, तो हम जाने इनको। अच्छा, तो संपर्क आप की, ये किया आपसे? मेरे ही गलती था, मैसेज मेरे तरफ से चल गया था। अच्छा, गलती से मैसेज आया था या प्रॉपर अप्रोच हुआ था आपके पास? बार बार मैसेज आता था। अच्छा, मेरा घर का एक लड़का थे तो वही करते थे, हमको पढ़ लिखने नहीं आता है, बस फूल वगैरह वगैरह था ना वही चल गया था, हम भेजे थे 2-3 को चल गया था। अच्छा, तो गलती से मैसेज चल जाने से प्यार हो जाता है? नहीं, फिर बात करने लग गए थे ना। अच्छा, बात के लिए कौन ज़्यादा बात करता था, आप? ये दोनों उतना ही बात करते थे, दोनों उतना ही प्यार था दोनों तरफ से। ये प्यार वाला रिक्वेस्ट की इस तरह से, ये शादीशुदा महिला थी, पता था आपको कि नहीं पता था? पहले लड़का का कोई फोटो था। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर बात करते करते बताया कि शादीशुदा है, यही सब। तो आपका क्या था, आपको प्यार हुआ था सच में या साथ में रहना था, बिताना था समय, बस यही था आपके तरफ से? नहीं, ऐसा बात नहीं कि साथ में समय बिताना था, प्यार हुआ था। तो अभी प्यार कहाँ चला गया? थाना में तो आप साइन किए हैं, पेपर है ना आप लोगों के पास? पेपर देखिए, अभी हम दिखवाते हैं, पेपर आप ही पढ़िएगा, आप ही साइन किए हैं खुद ही से? हाँ। वो कि उस दिन नशा का इंजेक्शन दिलवा कोई साइन करवा दिया था, ऐसा तो नहीं है? तो अब क्या हुआ, कानूनी रूप से पता है ना कि रखना पड़ेगा? ये है देखिए पेपर, देखिए इनकी माँ भी की है। अच्छा, गार्जियन भी किया है, गार्जियन भी साइन किया है। हम बख्तियारपुर ये हैं ना, तो इसीलिए हाँ, ये बख्तियारपुर लीड करती हैं ये महिला विकास। हाँ, ये आपके सामने हुआ था? हाँ, बख्तियारपुर जिला के अध्यक्ष हैं कंचन कुमारी। ये मेरे सामने ही लड़की को सिग्नेचर करके ले गया, जब इसको समझाया गया था कि नहीं देखो किसी का जिंदगी मत बर्बाद करो, एक बच्चे की माँ है, तो ये जबरदस्ती लेके गया था कि नहीं हम लेके, इसकी माँ भी, हम लोग सब, मेरी टीम भी थी, हमारी सीनियर सरिता दीदी थी, हम लोग की पूरी बख्तियारपुर टीम थी, उनके सामने दोनों गार्जियन के सिग्नेचर करके लेके गया, इसकी माँ भी। और आज मना कर दिया ये? अच्छा, ये बताएगी ना, जबरदस्ती कौन ले गया था? मम्मी जबरदस्ती ले गई थी या मम्मी?
ऐसे नहीं बोलिए, तो प्रेशर मम्मी पे प्रेशर डाले तब ना किए। कौन प्रेशर डाला था? प्रेशर कौन डाला? आपकी मम्मी जेल में बंद कर देंगे तो किसी भी मम्मी कोई भी किसी की भी रहेगी तो बोलेगी ना। उनको साइन करवा के हमको साइन करवा के भेज दिया, इसका माँ बाप को भी भेज दिया, वो ये दोनों के रख लिया साथ में। अच्छा, ये दोनों को तो अलग करके इसका माई को साथ में भेजना चाहिए था। वो भी तो थाना वाला किया नहीं, ये क्या किया, दोनों मिलके इसका साथ में भेज दिया थाना वाला भी। उसका बाद 25 तारीख से लेके अभी तक इसका साथ में ही है। अभी तक साथ में हो? थाना वाला भी हमको ऊपर दबाव दे रहा था, अरेस्ट भी कर रहा था। मैडम थे वहाँ पर ही तब छोड़वाए थे। ये तो आप लोग पे दया हुआ ना कि चलो प्यार कर दो, जाना चाहते हो तो चले जाओ, तो चले गए, तो अब क्या प्रॉब्लम है आपकी? नहीं रखने के लिए मना कर रही है? हम इनके साथ रहेंगे। आपको इनसे कोई प्यार नहीं है? नहीं, अब कोई नहीं। एकदम से कैसे खत्म हो गया प्यार? अभी थाना तक बस ऐसी नफरत है हमको इनसे। हा? नफरत है। किस बात के लिए? ऐसा क्या किया? जबरदस्ती करता है? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या बात हुई इसे? हमको इनके साथ नहीं रहना। बचा रही है लड़का को? बचा नहीं रहे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम उस दिन मेरे को क्या बोली कि हम जहर खा के मर जाएंगे अगर इसके साथ नहीं भेजेगा? है वीडियो रिकॉर्डिंग अभी तक मोबाइल में, तुम बोली ना? बोले थे। आप बोले थे कि इनके बिना हम मर जाएंगे, लेकिन हम आज ये भी कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हमको इनसे कोई मतलब नहीं। आज क्या इस लड़का ने मना कर दिया तब ना कह रही हैं? इसीलिए ना प्यार है ना, इसलिए तो इनसे नफरत है हमको, मना कर दिया इसलिए। हमको नहीं इनके साथ। आपको नहीं समझ में आया कि 18 साल का लड़का, 15 साल का लड़का जो भी है 12th में है, इसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कैसे रख पाएगा? उम्मीद ना दिलाए थे बात से, बहुत भरोसा किया। कैसे उम्मीद? कुछ खुद नहीं, इनपे उम्मीद नहीं था। जो घर परिवार के लिए बाहर रख के काम कर रहा हूँ, किन के लिए कमा रहे होंगे? कुछ की नहीं कमी दिए थे, मेरा ही गलती है, कुछ की नहीं कमी दिए थे, कुछ की कमी नहीं। बस प्यार में इनके भाग गए थे हम। भाग गई थी? हाँ। और ये बहकावे, ये लोगों से बताइए कि ये जरूरी है, ये चीजें हो रही है, कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि आजकल बहुत हो रहा है। बहुत गलत है। बहुत गलत इस तरह से नहीं। आज आप कहीं के नहीं है ना, कोई रखना चाह रहा आपको? नहीं। अब क्या करेंगे? नहीं रखेगा तो क्या करेंगे मरने के अलावा? महिला विकास मंच बैठी है, हालांकि ये लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन ये परिस्थितियां देखिए कि ये सारी गलती इनकी है। इसमें कोई मोह माया नहीं है कि महिला है तो फिर हम लोग को बचाना है, सारी गलती इनकी है। कहीं ना कहीं अप्रोच भी इसके तरफ से इस पर, और ये लड़का है, मन बहकेगा, कोई भी सोचेगा, लेकिन आज जिस परिस्थिति में ये भी है, सबका तो बर्बाद कर दिया आप। और सबसे बड़ी बात की वो बच्ची की, छोटी बच्ची का, वो आपकी ही बेटी है ना, उसकी कोई फर्क फिक्र नहीं है, उससे भी ज्यादा कि वो लड़की है, कल के आपके वजह से उस पे कोई भी आ जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? इनके अलावा कोई नहीं दिखता था हमें। तो वहाँ किसी से घर पर हल्ला है कि हीरा उसका जलमल नहीं है, नहीं बता। कल तक भी बात बोला आदमी, तो वहाँ से आदमी किसे आ रहे गांव में, किसे हल्ला है? ये सेक्सुअल डिजायर था, समझी? मारेंगे एक चमट कैमरे के सामने, झूठ बोलोगी तो। ये तुम लोग का प्यार ऐसे होता है जी, पल में तोला पल में मासा, प्यार के नाम पे एकदम कलंक हो तुम लोग, बेवकूफ लड़की। मैम बताइए किस तरह का प्यार है जहाँ पे ये वो वहाँ छोड़कर सब चली आई और इसके साथ? देखिए, आजकल समाज में जो चल रहा है वो यही इन तरह की लड़कियां हैं जो समाज में गंदगी फैला रही हैं। आज जो आज ये बच्चे हैं दोनों, ये बहुत बड़ी बात है, दोनों में किसी का एक अभी ना गया है जान। देखिए ना, कल्याणपुर में फिर छोटू आरती टाइप का चक्कू भोग के दोनों में कोई किसी एक को मार देता, लड़की का क्या जाता है इसमें? तो ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं, और दोषी सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करती हैं। अपने ये वैशीपना लोग कहता है मर्दों में है, औरतों में नहीं है क्या? ये क्या है था? ये प्यार है? ये बताइए, इसका एज कम है। मैं ये बताता हूँ कि आज अगर एक साल एज इसकी कम होती तो ये नाबालिग होता और शोषित कौन होता? ये जवाब है, आप सवाल है आपसे, शोषित कौन होता? ये होता या ये होती? समाज की नज़र में सिर्फ महिला, इसलिए आप क्रिएट कर दे कि ये शोषित है। बताइए, इनको बच्ची का अपना परवाह नहीं, आप रखेंगे उस, आप इनको रखेंगे अगर माफ़ी मांगते हैं तो? हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, आप मर जाएंगे लेकिन रखेंगे नहीं, मर जाएंगे रखेंगे नहीं, मर जाएंगे रखेंगे। आप सास हैं इनकी? आपकी नहीं, हम लोग बहन। आप कुछ कमी छोड़े थे? चलो उठो उठो, इतना हीन मत बनो, गलती हुई है तुम्हारी, चलो माफी मांगी हो ना समय। थाने में याद भी माफी मांग रही है, थाने में सामने से गई थी आप? देखिए, हम लोग बख्तियारपुर थाना में
पटना टीम हम लोग एक केस के सिलसिले में गए थे, उसी बीच में इन लोगों का मामला थाना में आया हुआ था। हम लोगों ने देखा कि ये लोग आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। थाना इन लोग पर कभी इनके हस्बैंड को अरेस्ट करने का धमकी दे रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ। हम लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा हम लोग भी नज़दीक में पहुँचे। फिर इन लोगों से हम लोगों ने बात किया, थाना के वहाँ जो पदाधिकारी थे, बड़ा बाबू थे ना, बड़ा बाबू, वो बोले मैम थोड़ा आप ही काउंसलिंग कर लीजिए। फिर उन्होंने हमें एक केबिन भी दिया कि मैम ये लोग को ले जाकर समझाइए, अगर ये महिला मान जाती है तो इसको फर्स्ट पति के साथ ही इसको विदा कर दीजिए। ऐसे में जब हम लोगों ने इस महिला का काउंसलिंग किया तो ये महिला खुलेआम हम लोग के सामने बोली कि उस लड़का के बगैर हम नहीं जी सकते हैं और उस लड़का से हम बहुत प्यार करते हैं, जो अभी भी ये बयान दे रही है। अब ऐसे में जब हमारे सामने फिर इस लड़का से हम लोगों ने बात किया, ये लड़का भी बोला कि हम लड़की को रखेंगे, हम शादी कर लिए हैं, हमारे साथ भेजा जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर ये दोनों का प्रेम को इस तरह थाना के माध्यम से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि शादी कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट पति को ये लोग मिलकर जान ले ले। और एक और बात है, एडल्ट्री अब लीगल है तो क्राइम भी नहीं है ये, है ना। इस तरह में तो ऐसे में अब हमको लगा कि ऐसे भी एक महिला फर्स्ट सिंदूर को हटाकर जब दूसरे पुरुष से दूसरा सिंदूर डलवा ले तो ऐसे भी फर्स्ट पति का रिलेशन खत्म हो जाता है, मेरे दृष्टिकोण से, हिंदू धर्म में, सामाजिक दृष्टिकोण से, हमारा जो कल्चर है उससे। तो निश्चित सी बात है कि इसका तो तलाक उसी क्षण हो गया उस पति से, अब एक लिखित तरीका से नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक तरीका से जैसे ही इसने दूसरा सिंदूर माथा में डाला दूसरे मर्द के हाथ से, वैसे ही इसका तलाक हो गया। तो दो बार चीटेड है ये, एक बार तो हर तरफ से जो भी घटनाएं हुई, दूसरी बार थाना में लिख के ले जाना और फिर आज छोड़ देना। ये दोनों का इतना ढीठ प्रेम है, ये दोनों का इतना ढीठ प्रेम है कि आज भी ये दोनों अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और लग रहा है कि जैसे जीवन को मजाक बना के रख दी है कि आज मेरा 12 दिन हम उस पति के पास रहेंगे, 12 दिन बाद इस पति के पास रहेंगे, जैसे लगता है कि इसका पहला पति का कोई फीलिंग ही नहीं है, पहला पति का कोई लाइफ ही नहीं। अब जब छोड़ दिया तो फिर हम इन्हीं के पास आ जाएंगे, फिर इन्हीं के पास, क्या 12 दिन इसके पास, 15 दिन उसके पास, ये टीम बना ली हो, क्या उसका इज्जत नहीं है, क्या उसका परिवार नहीं है, क्या उसके ऊपर पारिवारिक दबाव नहीं होगा। ऐसे में महिला विकास मंच फर्स्ट पति पर दबाव इतना नहीं दे सकती है कि आप तुम इसको रख ही लो। हाँ, समय जरूर हम लोग ले सकते हैं, महिला को इतना जरूर हम लोग समय दे सकते हैं कि थोड़ा अपनी गलतियों को सुधार करो, और हम लोग भी देखेंगे कि ये लोग का प्रेम में कितनी दूरियां हुई है कि ये आज की हो सकता है कि कल परसों इन लोग में झगड़ा हुआ हो और दौड़ के महिला विकास मंच में आ गई हो और फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर प्रेम जागरूक हो जाए। तो ऐसे में अभी महिला विकास मंच अभी देखे नहीं, अभी तुरंत हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे, इस केस को हम लोग थोड़ा समय देंगे। और महिला की जहां तक बात रही, अगर इनके मैके वाले नहीं भी रखेंगे, दोनों पक्ष के नहीं भी रखेंगे, तो महिला विकास मंच अपनी सुरक्षा में हम लोग इनको अपना रखने का बिल्कुल प्रबंध करेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी ऐसी सुविधाएं भी रखते हैं कि जो महिला को कोई आश्रय नहीं देता है वह महिला विकास मंच का हृदय खुला होता है और हम लोग महिलाओं को सुधरने का पूरा मौका देते हैं, क्योंकि गलतियां इंसान से होती है। चलिए देखिए, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन ये भाई साहब जो आप साइन कर चुके हैं इस पे कुछ नहीं होगा, आप कोर्ट थाना कुछ भी कीजिएगा, आपको जेल जाना होगा। समझ में आता है ये बात? कल के ये रेप केस में अगर अपने पति के साथ रहने के लिए ये अपने पति को मजबूर करती है इस कदर कि इस पे आरोप लगाओ इस लड़के पे 376 का कि जबरदस्ती किया, हमारे साथ रेप करने की कोशिश किया, रेप किया, तो ये तो लगा देगी उनके साथ रहने के लिए और आप होंगे जेल में, होंगे ना। क्या कुछ है, कुछ राय बोलना है? लड़की का सासू माँ है। हाँ, ये कैसे रहती थी चाची, आपके घर में नहीं रहती थी ठीक से? हम घर में रहे, कन होने जाइयो तो फोन वहाँ पे टिप टाप करते रहती थी दिन भर। ये तो नहीं जाने आये कौची करो है, ऐसे करते रहा, कौची करो कौची करो, फोन में क्या हो है हखुन वो कहा है वो काम नहीं कर, देखते जाओ वो काम नहीं कर रहे हैं, ओकरा तंग कर रहे हैं, आए ओकरा कुछ मिस्टेक हो जाते तब तो हाथ को ओकरा कटवा देवी है, कहे हटरी फोनवा कर रही, जाओ लो तो बस की करो, दाब दो आ दे दो, हमारा लूर के ने भाँस के ने चीन है यो फोटो अथी मोबाइल, लेकिन समझ में आ रहा था कुछ गड़बड़ है तो ई हो गलो, फेन घूर के अइयो दुअरिए पर आ फेन घूर के अइयो भनसा में
पूछ लीजिए कि रखना चाहती हैं तो रखिएगा, अब आप जैसे गलती मान ले तो रखिएगा। नहीं रखबो तो नहीं बेटा, एकदम नहीं रखना है। हाँ ना एकदम नहीं बाबू, इतना गंदा कि हम नहीं रखेंगे। कुछ गलत आप भी देखे? हाँ देखे हैं। क्या क्या देखे हैं? कि खिड़की में है ये दुयो गलबात कर रहे हैं। जालूक हम कोठा दूसल्ला पर चढ़े कि हम जाते हैं उठाने के लिए, तालुक लौंडा के भगा दिया। अच्छा ये घरे आयल था? हाँ। और अब देख ली थी? हम देख लिया। तो अब नहीं रखना एकदम? नहीं नहीं हम नहीं रखना है। समाज कहेगा कि रख लीजिए? नहीं नहीं नहीं, हम समाज के बात नहीं मानेंगे। मानेंगे कब? ये खर्चा रहता है, मारता गरियाता। आज कितना तारीख? 12 तारीख। आज तक इसी का साथ में ही है। मैं अपना मायके यहाँ नहीं था, ये लड़का के साथ में ही है। तो साथ रह लिया, अब इसी के लिए नहीं रखना है? नहीं रखना। नहीं कतना कतना पूरा गांव समाज पूरा सब जान चुका है। कतना आगे मां समूचे गांव हमार गेनहा गेलो कंधे कंधे देखा हमारे। आप हमको मरना फल है लेकिन रखना फल नहीं है। मर जाएंगे लेकिन रखेंगे नहीं। मरने की कोई जरूरी नहीं है, समाज कानून में सबके लिए जगह है। तो देखिए ये स्थिति है, महिला की भी आप स्थिति देख लीजिए। अब ये कहीं की नहीं है, दिखाइए रवि जी, ये कहीं की नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मजबूर नहीं कर सकता इनको, मीडिया कानून प्रशासन किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि रखिए साथ में। तो ये स्थिति है, आप अगर ये करेंगी तो ये होगा। लास्ट में आपका यही चाहिए कि क्या कहिएगा लोगों को इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए? मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि ये फेसबुक प्रसंग से आप लोग बचिए, इस तरह का प्रेम मत करिए। आप लोग का आने वाला भविष्य कुछ इस तरह का ही होगा। और एक घर नहीं, ऐसे अगर आप लोग अगर करते हैं तो तीन तीन घर बर्बाद होंगे। अभी देखिए लड़का की माँ गार्जियन हमारे संस्था में आए हुए हैं लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं और वो खुलेआम बोल रहे हैं कि मैम हमारे बेटा को आप जेल भेज दीजिए। तो आज इस लड़का के गलती के वजह से आज माता पिता भी लड़का का साथ देने के लिए नहीं तैयार है। तो आप लोगों को भी मेरा यही कहना है कि इस तरह का प्रेम प्रसंग से बचिए, माता पिता से प्रेम करिए, पढ़ने आए हैं पढ़ाई कीजिए, शादीशुदा लड़कियों से शादीशुदा पुरुषों से खास करके बचे। चलिए तो देखिए बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। हम कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जितनी बातें हैं वो आपको दिखाया है समझा दिया है और ये कंडीशन है और इसमें क्या कुछ होना चाहिए। अगर आप समझदार हैं आप भी राय देके बता सकते हैं। बाकी आपकी जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।